या मुझे लगता है कि भैया जी लोन चाचा जो है ना वो ट्विटर को भी स्पेस एक्स के साथ जो है वो चांद के ऊपर भेजना चाहते हैं, इसलिए जो है वो ट्विटर को इतना परेशान किया हुआ है। जी हाँ, अब रिसेंटली भैया जी ट्विटर का जो था वो सर्वर डाउन हुआ। सर्वर डाउन होने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो लोगों को देखने को मिली, जैसे कि भैया जी आपका ट्विटर जो था वो लोड नहीं हो रहा था, उसकी पोस्ट वगैरह जो है वो लोड नहीं थी हो रही, और उसके बाद आप ट्विटर के ऊपर सर्च नहीं थे कर पा रहे, लाइक नहीं थे कर पा रहे, कमेंट नहीं थे कर पा रहे, ट्वीट नहीं थे कर पा रहे, और भैया जी विदाउट लॉगिंग ट्विटर आप जो थे वो अब ट्विटर का पेज भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले तो लोग कह रहे थे कि भैया जी सर्वर डाउन हुआ है, ठीक है आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सारे मसले मसाइल जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इलोन चाचा ने जो है ना वो रिसेंटली अपने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके बताया है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, अब यानी कि आप जो है दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो है वो एडिक्टेड हो सकते हो, पर ट्विटर के जो एडिक्टेड है ना उनको अब मैं सही करूँगा, मेरे सर पर जो है इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए इलोन चाचा ने जो है वो कुछ तब्दीलियाँ की हैं, यानी क्या की हैं, जिनके अकाउंट्स जो है वो वेरीफाइड हैं। ठीक है, मैं आपको जो है उनकी ट्वीट ही जो है वो रीड करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो इलोन मस्क साहब जी, मस्क चाचा साहब जी क्या कहते हैं, टू एड्रेस एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ डेटा स्क्रैपिंग एंड सिस्टम मैनिपुलेशन वी हैव फॉलोइंग यानी अप्लाइंग, ठीक है अप्लाइंग द फॉलोइंग टेम्परेरी लिमिट्स, ठीक है यानी कि टेम्परेरी लिमिट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं, ये नहीं बताया कब तक कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में यही जो है टेम्परेरी की बजाय परमानेंट हो जाए। वो क्या है, ठीक है, सबसे पहले वेरीफाइड अकाउंट्स आर लिमिटेड टू रीडिंग 6000 पोस्ट डे, यानी कि भैया जी जिनका अकाउंट वेरीफाइड है उनको भैया जी उनकी लिमिट है कि वो 6000 से ज़्यादा 6000 पोस्ट जो है वो एक दिन के अंदर रीड कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाइड अब ट्विटर के ऊपर हर बंदा तो है नहीं, ठीक है, तो समझ ही रहे हो ना सेलेब्रिटीज वगैरह या जिन जिन के पास माल है, ठीक है उन्हीं के अकाउंट्स वेरीफाइड है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अनवेरीफाइड अकाउंट्स टू 600 पोस्ट मतलब डे, ठीक है, जिनके अकाउंट्स अनवेरीफाइड हैं वो 600 पोस्ट ही जो हैं वो देख सकते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, और अनवेरीफाइड में भी वो अकाउंट्स आते हैं जिनके अकाउंट्स पुराने हैं भैया जी, ये नहीं कि आज आपने लॉगिन किया और आप एक दिन के अंदर 600 पोस्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं न्यू अनवेरीफाइड अकाउंट्स, यानी कि वही बात आ गई ना जो मैंने की, अगर आपका अकाउंट नया है और अनवेरीफाइड है तो भैया जी 300 पोस्ट जो है वो आप एक दिन के अंदर रीड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये लिमिट्स वगैरह जो है वो लगाई गई हैं टेम्परेरी, लेकिन हो सकता है ये आपको परमानेंट जो है वो भी देखने को मिलेगी, और जब आप का टाइम जो है यानी कि आप 300 पोस्ट जो है 600 पोस्ट जो है वो देख लेते हैं एक दिन के अंदर, तो वहां पर आपको जो है वो मैसेज समटाइम शो हो जाएगा, यानी कि आपकी जब डेली लिमिट एक्सीड कर जाएगी वहां पर आएगा रेट लिमिट एक्सीड। ठीक है, और समटाइम जो है अगर आप पोस्ट वगैरह जो है वो लोड भी कर रहे हो तो वहां पर जो है वो अब आपको देखने को मिलेगा भैया जी समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और काफी चीजें जो है कह तो रहे हैं कि एक दो दिन के अंदर जो है वो सारी चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन लेट्स सी कब तक होती है। और काफी लोग मैं YouTube के ऊपर देख रहा हूं तरीके बता रहे हैं, ट्विटर अपडेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, क्लियर कैशेस कर लो, क्लियर डाटा कर लो। भैया जी जब ट्विटर का मालिक ही कह रहा है कि आप जो है हम ये लिमिट्स जो है वो ऐड कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर लो। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बताया कि इतने तरीके कर लो, ये फिक्स हो जाएगा, वो कुछ फिक्स नहीं होगा, जस्ट वेट एंड वॉच आगे क्या क्या नई नई अपडेट्स आती हैं। ठीक है, और क्या होता है। तो ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हाउडू चैनल को फर्स्ट टाइम देखे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउडू चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, अब तक ले चाहता हूं सब लोगों से इजाजत, गुड ब्लेस।